नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार टॉपिक के बारे में, और वैसे ही 15 स्टॉक के बारे में डिस्कस भी करेंगे दोस्तों। इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है दोस्तों, इसलिए 15 कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे दोस्तों, जिससे आपको पता चल सके इसमें फ्यूचर ग्रोथ कितना ज़्यादा है दोस्तों। जो अभी 15 स्टॉक बता रहा हूँ दोस्तों, 15 स्टॉक बता रहा हूँ, 15 स्टॉक भी एक गवर्नमेंट सेक्टर की स्टॉक है दोस्तों। आने वाले टाइम अच्छा खासा ग्रोथ भी, प्रॉफिट भी इस कंपनी पर देखने मिल सकते हैं दोस्तों। इसके वजह से ये शेयर के बारे में डिटेल्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। चलते हैं दोस्तों पहला स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक है दोस्तों गेल इंडिया लिमिटेड शेयर दोस्तों। इस कंपनी की मार्केट कैप भी दोस्तों बहुत बढ़िया है दोस्तों। इस कंपनी की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.3% का रिटर्न बना के दे चुका था दोस्तों। लास्ट 1 मंथ में दोस्तों 10% का रिटर्न बना के दे चुका है दोस्तों। लास्ट 6 मंथ में 61% के रिटर्न बना के दे चुके दोस्तों। लास्ट 1 ईयर में दोस्तों 91% के रिटर्न, लास्ट 5 ईयर्स में दोस्तों ये शेयर 68% के रिटर्न बना के दे चुका है। इस कंपनी ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इस शेयर ने 2161% का रिटर्न भी बना के दे चुका है दोस्तों। एक बहुत बड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों। इस कंपनी बहुत बढ़िया है दोस्तों। इस कंपनी के मार्केट कैप दोस्तों 1,21,112 करोड़ है दोस्तों। इस कंपनी के बुक वैल्यू दोस्तों 111 रुपीज़ है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड 2.99% है दोस्तों। इस कंपनी के फेस वैल्यू भी बहुत बढ़िया दोस्तों, 10 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है दोस्तों। इस कंपनी लास्ट 1 ईयर में यू हुआ था 186, लो हुआ है 93.2 दोस्तों। इस कंपनी में इन्वेस्टर लोग दोस्तों, प्रोमोटर्स 51% है, FIS 14% है, DIS 19% है, गवर्नमेंट लोग 7.9% है, पब्लिक लोग 6.5% है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 10,11,145 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुके हैं दोस्तों। इस कंपनी भी प्रॉफिट में अच्छा खासा प्रॉफिट में जा रहे हैं दोस्तों। इस कंपनी भी मार्च 2023 में दोस्तों 7,256 करोड़ का प्रॉफिट भी यहां पर देखने को मिला था दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड शेयर पर दोस्तों। इस कंपनी एक बहुत बड़े स्टॉक है दोस्तों, एक रिन्यूएबल एनर्जी में सेक्टर में काम करते हैं दोस्तों। इस कंपनी गैस में काम करते हैं, गैस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी काम करते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी बहुत बड़े रिटर्न बना के दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों। अगला जो स्टॉक है दोस्तों, इस कंपनी के नाम है दोस्तों NTPC लिमिटेड शेयर दोस्तों। इस कंपनी का अभी भी ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों 340 रुपीज़ में ट्रेड कर रहे हैं। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों सिर्फ एक दिन में 4% के रिटर्न बना के दे चुके हैं दोस्तों। इस कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे हैं दोस्तों। इस कंपनी गवर्नमेंट जो स्टॉक बता रहे हैं दोस्तों, जो 15 स्टॉक भी दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहे हैं शेयर होल्डर लोगों के लिए दोस्तों। इस कंपनी लास्ट 1 मंथ में दोस्तों 9% रिटर्न बना के दे चुके हैं, लास्ट 6 मंथ में 56% रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में 103% रिटर्न, लास्ट 5 ईयर्स में दोस्तों ये शेयर 192% रिटर्न बना के दे चुके हैं। ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बात करते भी 2004 में लिस्टेड हुआ था दोस्तों ये शेयर सिर्फ 62 रुपीज़ में, वहाँ से लेकर अब तक ये शेयर ने 441% का रिटर्न बना के दे चुके हैं दोस्तों। इस कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों 3,29,060 करोड़ है दोस्तों। इस कंपनी की स्टॉक भी 16.9% है दोस्तों, ROC 9.83% है, बुक वैल्यू ₹158 है दोस्तों। इस कंपनी की ROC दोस्तों 12% है, इस कंपनी के फेस वैल्यू ₹10 है दोस्तों। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 2.14% है, इस कंपनी में इन्वेस्टर लोग 51% है, गवर्नमेंट लोग 0.10 इन्वेस्ट किए कर चुका है, DIS 28% है दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 11,58,992 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुके हैं दोस्तों। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है ईयरली। इस कंपनी का प्रॉफिट के बारे में बात करें तो मार्च 2023 में दोस्तों 23,917 करोड़ का प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने को मिला है दोस्तों। एक खाने वाला टाइम अच्छा खासा ग्रोथ भी, प्रॉफिट भी इस कंपनी पर देखने मिल सकते हैं दोस्तों। इसके वजह से शेयर के बारे में डिटेल्स आप लोगों के लिए लेकर आया था दोस्तों, ठीक है। आप लोग सोच के इन्वेस्ट करो दोस्तों। अगला जो स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर दोस्तों। इस कंपनी का नाम है HAL शेयर दोस्तों। अभी फिलहाल दोस्तों 3,020 रुपीज़ में शेयर भी ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 डेज में दोस्तों 2% गिरावट था, बट लास्ट 1 मंथ में दोस्तों 0.88% रिटर्न था। लास्ट 6 मंथ में दोस्तों 54% रिटर्न बना के दे चुके हैं सिर्फ 6 मंथ में। लास्ट 1 ईयर में दोस्तों 126% रिटर्न, लास्ट 5 ईयर्स में 813% रिटर्न। ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बात की तो एशियर ने 2018 में लिस्टेड हुआ था 566 रुपीज़ में, वहाँ से लेकर अब तक एशियर ने 433% रिटर्न बना के दे चुका है। इस कंपनी एक डिफेंस सेक्टर की स्टॉक है दोस्तों। आने वाले टाइम अच्छा खासा तेजी प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। इस कंपनी के मार्केट कैप है दोस्तों
2,02,167 crore है दोस्तों। इस कंपनी की बुक वैल्यू 375 है। डिविडेंड यील्ड भी एवरेज है दोस्तों 0.91% है। लास्ट वन ईयर में हाई हुआ है 3,132, लो हुआ है 1,238 दोस्तों। इस कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आने वाले टाइम अच्छा खासा ग्रोथ भी प्रॉफिट भी इस कंपनी पर देखने को मिल सकता है। इस कंपनी में प्रॉफिट प्रोमोटर से दोस्तों 71%, FIS 12%, DIS 9%, पब्लिक लोग 6%, नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 6,19,151 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुका है। इस कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छे खासा हो चुका है दोस्तों। मार्च 2023 में 6,493 crore का प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। अगला जो स्टॉक है दोस्तों, इस कंपनी का नाम है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड शेयर दोस्तों। इस कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड शेयर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.28% रिटर्न बना के दे चुके हैं। लास्ट 5 डेज में 4.2% रिटर्न बना के दे चुके हैं। लास्ट 1 मंथ में 24% रिटर्न, लास्ट 6 मंथ में 104% रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में 121% रिटर्न, लास्ट 5 ईयर्स में दोस्तों 121% रिटर्न बना के दे चुके हैं। ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बात की तो इसने 2010 में लिस्टेड हुआ था 348 रुपीज़ में, वहाँ से लेकर अब तक के शेयर ने 36% के रिटर्न बना के दे चुके क्योंकि बट ये शेयर दोस्तों अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है दोस्तों। इस कंपनी के डिविडेंड भी बहुत बड़े हैं दोस्तों। मार्केट कैप है दोस्तों 2,93,870 crore है दोस्तों। कंपनी की स्टॉक भी दोस्तों 10 रुपीज़ है। ROC 70.5% है। ROE 56% है। बुक वैल्यू 113 रुपीज़। करंट प्राइस 477 दोस्तों। इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड 5.09% है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है दोस्तों। लास्ट वन ईयर में आई वाई 481 रुपीज़, लो हुआ है 208 रुपीज़ दोस्तों। इस कंपनी में इन्वेस्टर लोग दोस्तों प्रोमोटर्स 63%, FIS 8%, DIS 8% दोस्तों, गवर्नमेंट लोग 0.10%, पब्लिक लोग 5% दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 13,80,104 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग भी इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुके हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए सभी निवेश कर सकते हैं। इस कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छे खास हो रहा है दोस्तों। मार्च 2023 में 38,001 crore का प्रॉफिट यहाँ पर देखने के मिला था दोस्तों मार्च 2023 में दोस्तों। अगला जो स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर दोस्तों। इस कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.8% रिटर्न बना के दे चुका था दोस्तों। लास्ट 5 डेज में भी 1.08% रिटर्न दोस्तों। लास्ट 6 मंथ में 51% रिटर्न दोस्तों। लास्ट 1 ईयर में 74% रिटर्न। लास्ट 5 ईयर्स में दोस्तों 175% रिटर्न। ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बाकी तो 2007 में लिस्टेड हुआ दोस्तों। इस शेयर 56 रुपीज़ में, वहाँ से लेकर अब तक के शेयर ने 397% रिटर्न बना के दे चुका है। इस कंपनी की मार्केट कैप है 2,61,760 crore है दोस्तों। इस कंपनी की बुक वैल्यू 93.4 है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड भी बहुत बड़े दोस्तों 3.9% का डिविडेंड दे रहे हैं दोस्तों साल में। इस कंपनी प्रोमोटर से 51% FIS 30% DIS 14% दोस्तों, पब्लिक लोग 3% नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 9,61,585 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। आने वाले टाइम अच्छा खासा प्रॉफिट भी तेजी भी यहाँ पर देखने मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग सोच कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है दोस्तों NHPC लिमिटेड शेयर दोस्तों। इस कंपनी भी बहुत बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी का भी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों 92.80 में ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 4.80% का रिटर्न बना के दे चुका था दोस्तों। लास्ट 5 डेज में 6% गिरावट था, बट लास्ट 6 मंथ में दोस्तों 86% का रिटर्न बना के दे चुका है दोस्तों। लास्ट 1 ईयर में दोस्तों 126% रिटर्न, लास्ट 5 ईयर्स में 294% रिटर्न दोस्तों। इस कंपनी ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बात की तो 2009 में लिस्टेड हुआ था सिर्फ 35 रुपीज़ में दोस्तों, वहाँ से लेकर अब तक के शेयर ने 163% का रिटर्न बना के दे चुका है। इस कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों 93,017 crore है दोस्तों। इस कंपनी की बुक वैल्यू 38.9 है। डिविडेंड यील्ड 2% है दोस्तों। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। इस कंपनी में इन्वेस्टर लोग दोस्तों 70% दोस्तों प्रोमोटर्स था दोस्तों। FIS 7% है दोस्तों। बहुत बड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों। आने वाले टाइम अच्छा खासा ग्रो भी आ सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है दोस्तों। इस कंपनी में गवर्नमेंट लोग 1.53% इन्वेस्ट कर चुके हैं, पब्लिक लोग 6% है दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 10,32,824 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। इस कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे खासे हो रहे हैं। बैलेंस शीट भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। प्रॉफिट के बारे में बात की तो मार्च 2023 में 5,211 crore का प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने के लिए मिली है दोस्तों। आने वाले टाइम में और भी तेज़ी और भी प्रॉफिट इस कंपनी पर देखने को मिल सकता है दोस्तों।
इस कंपनी का नाम है दोस्तों यूको बैंक लिमिटेड शेयर। दोस्तों इस कंपनी एक फिनेंस सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 4.4% का रिटर्न बना के दे चुका था सिर्फ एक दिन में दोस्तों। लास्ट 5 डेज में दोस्तों 3% का रिटर्न था, गिरावट था। लास्ट 1 मंथ में 46% का रिटर्न था दोस्तों। लास्ट 6 मंथ में 102% का रिटर्न था। लास्ट 1 ईयर में दोस्तों 131% का रिटर्न था दोस्तों। लास्ट 5 ईयर्स में 226% का रिटर्न था दोस्तों। इस कंपनी ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बात की तो 217% का रिटर्न था दोस्तों। इस कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों, एक गवर्नमेंट सेक्टर की स्टॉक है दोस्तों। इस कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों 73,686 करोड़ है। इस कंपनी की बुक वैल्यू 21.68, डिविडेंड हिल 0.0, फेस वैल्यू ₹10, ROE 7.55% है दोस्तों। इस कंपनी में इन्वेस्टर लोग दोस्तों प्रोमोटर्स 95%, FIS 0.0, DAS 1.32%, पब्लिक लोग 3.27%, नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 610,166 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुका है। इस कंपनी का प्रॉफिट के बारे में बात करते भी दोस्तों, मार्च 2023 में 2905 करोड़ का प्रॉफिट भी यहां पर देखने को मिला था दोस्तों। एक बहुत बड़े गवर्नमेंट सेक्टर की स्टॉक है दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों। अगला जो स्टॉक है दोस्तों, इस कंपनी का नाम है दोस्तों REC लिमिटेड शेयर दोस्तों। इस कंपनी REC लिमिटेड शेयर दोस्तों फिलहाल 483 रुपीस में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। लास्ट 1 मंथ में 10% का रिटर्न बना के दे चुका है दोस्तों। लास्ट 6 मंथ में 116% का रिटर्न सिर्फ 6 मंथ में दोस्तों। लास्ट 1 ईयर में दोस्तों 315% का रिटर्न, लास्ट 5 ईयर्स में 384% का रिटर्न दोस्तों। ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बात करते भी दोस्तों, 2008 में दोस्तों 42 रुपीस में लिस्टेड हुआ था, वहाँ से लेकर अब तक एशियन ने 1047% रिटर्न बना के दे चुका है। ये शेयर बहुत बड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 1,27,277 करोड़ है दोस्तों। इस कंपनी की बुक वैल्यू 248 है। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी बहुत बड़ा है दोस्तों, एवरेज है 2.61% का डिविडेंड है दोस्तों। इस कंपनी में इन्वेस्टर लोग दोस्तों प्रोमोटर्स 52%, FIS 20%, गवर्नमेंट लोग 0.04%, नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 689,192 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग भी इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। इस कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, मार्च 2023 में 13,898 करोड़ का प्रॉफिट भी यहां पर देखने के लिए मिला था दोस्तों। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों, आने वाले टाइम अच्छा खासा ग्रोथ भी प्रॉफिट भी यहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला जो स्टॉक है दोस्तों, इस कंपनी में सेक्टर के बारे में बात करते तो भी एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की स्टॉक है दोस्तों। सोलर एनर्जी, सोलर इस कंपनी के प्रोडक्ट सभी बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला जो स्टॉक है दोस्तों, इस कंपनी का नाम है दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर दोस्तों। इस कंपनी दोस्तों अभी फिलहाल IRCTC शेयर अभी फिलहाल 952 रुपीस में ट्रेड करे दोस्तों। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 2.4% का रिटर्न बना के दे चुके दोस्तों। लास्ट 5 डेज में 0.13% का रिटर्न दोस्तों। लास्ट 1 मंथ में 0.25% का रिटर्न दोस्तों। लास्ट 6 मंथ में दोस्तों 48% का रिटर्न था दोस्तों। लास्ट 1 ईयर में 46% का रिटर्न था। लास्ट 5 ईयर्स में 510% रिटर्न है दोस्तों। ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बात की तो भी ये शेयर ने 2019 अक्टूबर मंथ में लिस्टेड हुआ था 155 रुपीज़ में, वहाँ से लेकर अब तक ये शेयर ने 510% का रिटर्न बना के दे चुके हैं दोस्तों। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी का मार्केट कैप भी 76,091 करोड़ है दोस्तों। इस कंपनी की स्टॉक भी 67 है, डिविडेंड यील्ड 0.58%, फेस वैल्यू ₹2 है, ROE 45.4% है, बुक वैल्यू 35.6 है दोस्तों। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों। ठीक है, इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते भी मार्च 2023 में 1,354 करोड़ तक जा चुके दोस्तों प्रॉफिट। ठीक है, इस कंपनी में इन्वेस्टर लोग दोस्तों 62% प्रोमोटर्स है, पब्लिक लोग 18% है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 19,28,851 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुके हैं दोस्तों। आने वाले टाइम और भी तेजी और भी प्रॉफिट इस कंपनी पर देखने मिल सकते दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों। ठीक है, अगला जो स्टॉक है दोस्तों, इस कंपनी का नाम है दोस्तों भारत एवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और दोस्तों बेल बोला जाता है इस कंपनी को दोस्तों। इस कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत बड़े दोस्तों। इस कंपनी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी रिटर्न बना के दे चुका है 140% का दोस्तों। इस कंपनी अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं 227 रुपीज़ में। लास्ट 5 डेज में 2.7% गिरावट, लास्ट 1 मंथ में 12% रिटर्न, लास्ट 6 मंथ में 127% रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में 211% रिटर्न, लास्ट 5 ईयर्स में 257% रिटर्न। ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बात की तो भी 1999 में लिस्टेड हुआ था सिर्फ 17 रुपीस में, वहां से लेकर अब तक केशन ने 1185% का रिटर्न बना के दे चुका है। इस कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों 79,234 करोड़ है दोस्तों। इस कंपनी की बुक वैल्यू 74.9 है, डिविडेंड यील्ड 0.18% है दोस्तों। इस कंपनी में इन्वेस्टर लोग दोस्तों प्रोमोटर्स 63% है, FIS 7.04% है, पब्लिक लोग 12% है दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 12,65,436 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग भी इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों।
ठीक है, इस कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छे खास हो चुके हैं। मार्च 2023 में 479 करोड़ का प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने के लिए मिला था दोस्तों। अगला जो स्टॉक है दोस्तों, स्टॉक का नाम है केनरा बैंक लिमिटेड शेयर दोस्तों। इसके एक बैंक सेक्टर की स्टॉक के दोस्तों फिनेंस सेक्टर की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये शेयर ने सिर्फ एक दिन में 3.3% के रिटर्न बना के दे चुके दोस्तों। लास्ट 5 डेज में दोस्तों ये शेयर ने 2.14% रिटर्न था, लास्ट 1 मंथ में 25% रिटर्न, लास्ट 6 मंथ में 78% रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में 98% का रिटर्न दोस्तों। लास्ट 5 ईयर्स में ये शेयर ने 163% का रिटर्न बना के दे चुके। ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बात की तो ये शेयर ने 2002 में लिस्टेड हुआ था सिर्फ 48 रुपीज में दोस्तों, वहाँ से लेकर अब तक ये शेयर ने 1095% का रिटर्न बना के दे चुका है। इस कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 1,06,499 करोड़ है दोस्तों। इस कंपनी की बुक वैल्यू 430 रुपीज़ है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड 2.04% है, बुक वैल्यू 430 है दोस्तों। इस कंपनी में इन्वेस्टर लोग दोस्तों प्रोमोटर्स 62% है, FIS 11% DIS 14% दोस्तों, पब्लिक लोग 11% नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 6,44,770 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुका है। बैलेंस शीट भी बहुत बढ़िया दोस्तों। प्रॉफिट के बारे में बात करते हुए मार्च 2023 में दोस्तों 14,427 करोड़ का प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने के लिए मिली है दोस्तों। इसके वजह से आने वाले टाइम अच्छा खासा ग्रोथ भी प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। अगला जो स्टॉक है दोस्तों, स्टॉक का नाम है दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी लिमिटेड शेयर दोस्तों, इरेडा बोलते हैं दोस्तों शॉर्टकट में। इस कंपनी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5% रिटर्न बना के दे चुका था, सिर्फ एक ही दिन में अपर सर्किट लग चुका था दोस्तों। लास्ट पिछले 5 दिन के बारे में बात करें तो 1.4% की गिरावट था दोस्तों। लास्ट 1 मंथ में 48.16% रिटर्न था दोस्तों। इस कंपनी भी 2023 नवंबर मंथ में लिस्टेड हुआ था दोस्तों, वहाँ से लेकर अब तक ये शेयर ने सिर्फ 2 मंथ्स में दोस्तों 195% का रिटर्न बना के दे चुका है। इस कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों 47,672 करोड़ है दोस्तों। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.0, लास्ट 1 ईयर में आई हुआ है 215 रुपीज़ लो हुआ है 50 रुपीज़ दोस्तों। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते भी मार्च 2023 में दोस्तों 1,139 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर देख के मिला था। इस कंपनी में इन्वेस्टर लोग प्रोमोटर 75%, FIS 1.8%, DIS 4%, पब्लिक लोग 18%, नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 13,67,953 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुके दोस्तों। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, फिर भी आप लोग थोड़ा सा रिस्क भी लेकर इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि लगातार ऊपर जा रहे दोस्तों। इसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा वेट करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा इरेडा शेयर पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है दोस्तों। अगला जो स्टॉक है दोस्तों, इस कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फिनांस कॉर्प लिमिटेड शेयर दोस्तों, IRFC शेयर बोला जाता है इस कंपनी को। वे फिलहाल 258 रुपीज़ में ट्रेड करे दोस्तों। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 2.5% रिटर्न बना के दे चुका था। लास्ट 5 डेज में 0.09% रिटर्न, लास्ट 1 मंथ में 11% रिटर्न दोस्तों, लास्ट 6 मंथ में 208% रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में 446% रिटर्न बना के दे चुके हैं। ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बात की तो 2021 जनवरी मंथ में लिस्टेड हुआ था, वहाँ से लेकर अब तक शेयर ने 3 to 4 ईयर्स में दोस्तों 538% का रिटर्न बना के दे चुका है दोस्तों। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, रेलवे सेक्टर की स्टॉक है। इस कंपनी की मार्केट कैप भी 2 लाख से ऊपर है दोस्तों। मार्केट कैप 2,07,659 करोड़ है दोस्तों। इस कंपनी की बुक वैल्यू 36.9 है, डिविडेंड यील्ड 0.94% है दोस्तों। इस कंपनी में इन्वेस्टर लोग दोस्तों प्रोमोटर्स 86%, FIS 1%, DIS 1% दोस्तों, पब्लिक लोग 11%, नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 32,51,993 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुका है। इस कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा है दोस्तों। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो भी मार्च 2023 में 6,337 करोड़ का प्रॉफिट भी यहां पर देखने के लिए मिली है दोस्तों। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, आने वाले टाइम अच्छा खासा ग्रोथ भी प्रॉफिट भी यहाँ पर IRFC लिमिटेड शेयर पर देखने मिल सकते हैं दोस्तों। अगला जो स्टॉक है दोस्तों, कंपनी का नाम है IFCI लिमिटेड शेयर दोस्तों, एक छोटा सा पेनी स्टॉक है दोस्तों, बहुत बड़े रिटर्न बना के दे सकते हैं आने वाले टाइम में दोस्तों। इस कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों 12,958 करोड़ है दोस्तों। इस कंपनी की बुक वैल्यू 15.1 है, ROE -3.78% है दोस्तों, फेस वैल्यू ₹10 है। लास्ट 1 ईयर में यू है 71 दोस्तों, लो हुआ है 9 रुपीज़ दोस्तों। इस कंपनी में इन्वेस्टर लोग 70% दोस्तों प्रोमोटर्स, FIS 2%, DIS 2%, गवर्नमेंट लोग दोस्तों 4%, पब्लिक लोग 21.5%, नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 5,85,670 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुका है। इस कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खास इंक्रीज हो रहे दोस्तों। मार्च 2023 में 26 करोड़ का प्रॉफिट भी यहां पर देखने को मिला है दोस्तों। आने वाले टाइम में और भी तेजी और भी प्रॉफिट इस कंपनी पर देखने मिल सकते हैं दोस्तों। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, अभी तो लिस्ट नहीं हुआ था, इस कंपनी भी 2005 में लिस्टेड हुआ था दोस्तों।
ठीक है, पेनी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे खास निवेश कर भी कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो स्टॉक है दोस्तों, इस कंपनी के नाम है दोस्तों ONGC दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर दोस्तों, एक बहुत बड़े स्टॉक है दोस्तों। आने वाले टाइम अच्छा खासा ग्रोथ भी प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने मिल सकता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर दोस्तों, आने वाले टाइम अच्छा खासा ग्रोथ भी यहाँ पर दिखा सकता है। इसका वजह से शेयर के बारे में भी डिटेल्स लेकर आए हूँ। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 2.8% के रिटर्न था दोस्तों, लास्ट 5 डेज में 1.3% के रिटर्न था, लास्ट 1 मंथ में 17% के रिटर्न था, लास्ट 1 ईयर में 77.33% के रिटर्न था दोस्तों, लास्ट 5 ईयर्स में 86% का रिटर्न है दोस्तों। ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बात की तो भी 1999 में लिस्टेड हुआ था सिर्फ 22 रुपीज़ में, वहाँ से लेकर अब तक किशन ने 1128% के रिटर्न बना के दे चुका है। इस कंपनी की मार्केट कैप 3,48,851 करोड़ है दोस्तों। इस कंपनी की डिविडेंड भी बहुत बड़े है दोस्तों, 4.06% का डिविडेंड दे रहे हैं दोस्तों। बुक वैल्यू 246 है। इस कंपनी का ROC 13.9% है, ROE 14.1% है दोस्तों। फेस वैल्यू भी बहुत बड़े है दोस्तों, इस कंपनी में इन्वेस्ट लोग भी बहुत बड़े है। 58% प्रोमोटर्स है, FIS 9% दोस्तों, DIS 18%, गवर्नमेंट लोग 10%, पब्लिक लोग 2%, नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 15,88,564 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुका है। इस कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका है दोस्तों। प्रॉफिट के बारे में बात की दोस्तों, यहाँ पर मार्च 2023 में दोस्तों 43,051 करोड़ का प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने के लिए मिली है दोस्तों। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी एक ऑयल सेक्टर की स्टॉक है दोस्तों। 27,000+ टोटल वर्क प्लेस है दोस्तों। इस कंपनी 1,12,464 मिलियन टोटल हसेट्स है दोस्तों इस कंपनी के थ्रू। इस कंपनी ऑपरेट कर दोस्तों 15 कंट्रीज में इस कंपनी एक ऑपरेटर करती है दोस्तों। 71% टोटल प्रोडक्शन है दोस्तों इस कंपनी का। आने वाले टाइम में और भी तेजी और भी प्रॉफिट इस कंपनी पर देखने मिल सकती है दोस्तों, ONGC लिमिटेड शेयर दोस्तों। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। आप लोग सोच कर इन्वेस्ट करो दोस्तों, वीडियो तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, जो अब जो शेयर बताया दोस्तों, जो सभी शेयर भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं दोस्तों। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, जो अभी शेयर बताया दोस्तों, सभी शेयर भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, ठीक है। आप लोग सोच कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।